हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक गरीब सफाई वाले का सपना था कि वो बड़े शहरों में जाके अमीर लोगों के लिए काम करे। वो एक छोटे से गांव में सफाई का काम करता था। एक दिन अचानक उसे एक अजीब दिखने वाला साधु मिला। उस साधु ने कहा कि तुम्हारे हाथों में एक चमत्कार है, जिस भी गंदगी को तुम छूओगे वो साफ हो जाएगी, पर यह ताकत तभी काम करेगी जब तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगे। और इतना बोल के साधु गायब हो गया। सफाई वाले ने पूरी मेहनत से अपनी जिंदगी धीरे धीरे बदल दी। आज वो बड़े शहरों के बड़े पुलिस वालों के लिए क्राइम सीन साफ करने का काम करता है। उसी सफाई वाले की तरह आज भी मैं एक बड़े शहर में हूँ और मैं भी क्राइम सीन साफ करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो और एक लाइक कर देना। तो यहाँ पे है वो इंसान जिसका मर्डर हुआ है भाई, बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो हमें ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा और इसको बैग में भर के गाड़ी में छुपाना पड़ेगा, वो भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो इसे भरते बैग में और कंधे पे लेके जा रहा हूँ मैं एक बॉडी को। वो भाई पुलिस कहाँ से आ गई? वो भाई नो, इसे रखते नीचे। कैसे रखे पर इसे? नीचे हैंड्स में। इसे नीचे कैसे रखते पर? मौक लेता हूँ। ओके रखते नीचे। भाई अभी अगर मैं बाहर जाता तो पकड़ा जाता, मैं कचरा साफ कर देता हूँ तब तक। तो इसे यहाँ पे ही रहने दो, हम बाहर चेक करते कुछ है क्या। ओ यहाँ पे दूसरी बॉडी है और यहाँ पे बहुत सारा कचरा है। तो पहले कचरा उठाते क्योंकि ये दिख सकता है दूर से भी, किसी ने देखा तो उसको उठाते फटाफट। और अभी डेड बॉडी को छुपाते घर के अंदर, क्योंकि अगर बाहर किसी ने देख लिया तो पुलिस को बता देंगे। अगर डेड बॉडी नहीं होगी तो हम बता सकते कि भाई हम साफ सफाई कर रहे घर की, कार को कलर कर रहे थे, उसका कलर गिरा है। तो इस बॉडी को रखते नीचे और जल्दी से करते सफाई। तो मैं फटाफट सफाई कर देता हूँ, तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी। हो चुका है सारा साफ, पर ये साफ क्यों नहीं रहा? दाग, इसके लिए क्या यूज करे? इसके लिए शायद से ये ब्रश यूज करना है। ब्रश नहीं, ये स्पॉन्ज है। ब्रश नहीं है, स्पॉन्ज से क्लीन करना है। जो दीवारों पे लगा है खून उसे स्पॉन्ज से क्लीन करना है हमें, और उसे बार बार धोना भी पड़ेगा क्योंकि स्पॉन्ज खून में भर जाता है एक मिनट में। अभी मेरे पास बचे सिर्फ 20 सेकंड। वो भाई मेरे टाइम पे ध्यान ही नहीं था मेरा, जल्दी से इसे साफ करते। और मुझे दो डेड बॉडीज को गाड़ी में रखना है। ये शायद से हो चुका है। ओके 100% क्लीन हो गया। अभी 9 सेकेंड, जल्दी जल्दी दो बॉडीज रखनी है अभी अंदर। 6, 5 भाई जल्दी कर। एक को उठा लिया, इसको भरते फटाफट। नहीं भाई मिशन फेल हो चुका है। तो पहली बार मिशन फेल हो गया दोस्तों। तो अभी हमें सब पता है क्या क्या करना है। दो बॉडीज को कलेक्ट करना है, बहुत सारा कचरा है। तो हम बाहर से शुरुआत करेंगे। ये जो कचरा दिख रहा है बड़ा बड़ा, इसको कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये विजिबल है, दूर से भी दिख सकता है किसी को भी। और दूसरी चीज जो हमें करनी है, ये डेड बॉडी को घर में छुपाना है क्योंकि पुलिस आती जाती रहती है। और मैं से कंधे पे दिख गया अगर डेड बॉडी उठा गए तो वो पकड़ ही लेगी मुझे। डेड बॉडी लेके चलते हम, और इसे फिर रखता हूँ मैं नीचे क्योंकि बाहर जाते वक्त मुझे आसानी हो। तो मैं फटाफट सब साफ कर देता हूँ। आपने देखा है कैसे साफ करते, तो मैं वीडियो को फास्ट करता हूँ थोड़ा सा। तब तक आप फिर से एक बार वीडियो को लाइक करो, मतलब अगर एक बार किया है तो मत करो, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा। तो चलो पूरा क्लीन हो चुका है हमारा बाहर का एरिया, अभी चलते घर के अंदर। घर के अंदर बहुत बड़ा काम है। तो ये हम आ चुके हैं घर के अंदर। यहाँ पे रखते हैं वाटर का बकेट और करते हैं काम चालू। पूरा अच्छे से क्लीन करना है, अगर थोड़ा सा भी दाग या खून रह गया तो पुलिस हमें आके पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस को खबर है कि यहाँ पे एक आदमी का मर्डर हुआ है। तो जल्दी से फटाफट, ये देखो ये जो खून के दाग है वो दिख भी नहीं रहे, उसको हमें ढूंढ के साफ करना पड़ेगा। और अभी मेरे पास 2.5 मिनट बचे, तो 2.5 मिनट भी कम है वैसे देखा जाए तो। अरे भाई सीढ़ी पे भी खून लगा है। यहाँ पे दिखा रहा है अपस्टेयर्स, मतलब अपस्टेयर हमें अलग से क्लीन करना है और नीचे वाला खून अलग से। तो मैं करता हूँ फटाफट। ये क्या है? ये कूड़ा किसने डाला है? पर ये जो मर्डर करने आया था वो क्या कचरे वाला था मेरी तरह? मतलब मैं सफाई वाला हूँ, वो कचरे वाला होगा क्योंकि हर जगह पे कूड़ा डाला हुआ है उसने। और मैं बॉडी के ऊपर से मॉप घुमा रहा हूँ, भाई ये किस तरीके का क्लीनिंग है। तो अभी ये पूरा क्लीन हो चुका है, अभी इसको भी बैग में भरते। मेरे पास बैग है क्या एक्स्ट्रा भर उसे भरने के लिए? रुको तब तक मैं दूसरा चेक कर लूँ किधर है कि नहीं। अच्छा हो गया 100%, और मेरा ध्यान नहीं था। तो दूसरी बैग भी है मेरे पास, उसको कंधे पे उठा के ले जा रहा हूँ मैं। और
और पुलिस का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कोई देख तो नहीं रहा मुझे, क्योंकि पुलिस का आवाज आ सकता है कभी भी। हाँ भाई भाई पुलिस आ गई, भाई पुलिस का आवाज आ रहा है मुझे धीरे धीरे, इसको भी जल्दी से भरना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी, हो गया मिशन कंप्लीट। पुलिस से बच के हमने पहला क्राइम सीन कंप्लीट कर दिया, क्लीन कर दिया, कंप्लीट नहीं कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, और क्या इसका दूसरा पार्ट आएगा ये आप कमेंट में गेस करो, और जो सही गेस्ट करेगा उसे वीडियो मिलेगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक करते रहना।